हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली कुछ टेक्निकल वर्ड्स को समझ रहे थे, उन टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उन टेक्निकल वर्ड्स में ही पूरा फिर आगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और हमें वो समझ में नहीं आता है तो हम आगे पढ़ने लगते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट उस वर्ड का अर्थ हमें समझ में नहीं आता, उस जो पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है। तो एग्जैक्ट मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि फिर स्टडी ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि दो टाइप के इन्वायरमेंट हो सकते हैं, एक ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट हो सकता है, एक कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट हो सकता है। ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में ट्रेडिशनल टेक्निक्स होंगी, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में दो तरह की टेक्निक्स हो सकती है। यानी वहाँ अगर आप ऑडिट करने जाओगे, मतलब ऑडिटिंग परस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं, ऑडिटिंग परस्पेक्टिव से दो टाइप के इन्वायरमेंट, मैनुअल और आईटी इन्वायरमेंट। अब जो मैनुअल इन्वायरमेंट है उसमें तो ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स यूज़ होंगी, मैनुअल ऑडिट टेक्निक्स यूज़ होंगी, सिंपल। जो आईटी एनवायरनमेंट है, कितना भी सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट है, आज की डेट में वो मिक्स होगा। मतलब पहले ये ध्यान देना होगा कि जो आईटी एनवायरनमेंट है वो 100% आईटी एनवायरनमेंट नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। तो हम जिसे आईटी एनवायरनमेंट कह रहे हैं या सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट कह रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ मैनुअल इंटरवेंशन होगा, कुछ ना कुछ आदमी काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ मैनुअल इंटरवेंशन होगा। और कब तक होगा? जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो पाती। जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी वहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा और वो 100% आईटी एनवायरनमेंट होगा। तो एक रीजनेबल बेसिस पर हम ये समझ लेते हैं, एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर ऐसा मोस्टली 95% या 99% काम जो होता है आपका जो है मैनुअली होता है, वहाँ ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट होता है, 50-80% तक वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर ने टेक ओवर कर लिया, आईटी ने टेक ओवर कर लिया, तो वहाँ पर दो टाइप के ऑडिट हो सकते हैं। एक हो सकता है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट और दूसरा हो सकता है आईटी ऑडिट। अब ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? आईटी इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है लेकिन ऑडिटिंग टेक्निक्स हम पुरानी का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हम जा रहे हैं तो पहले की तरह हम ऑडिट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ पर हम, क्योंकि कई जगह पर है ऑडिट, और हमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग ऑडिट करनी है, टैली लगा हुआ है या ईआरपी लगा हुआ है या पर्टिकुलर पेरोल सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग को चेक करना है, तो हम प्रोसेसिंग चेक नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटी स्किल ही नहीं है जो उसको चेक कर रहे हैं। तो यानी कि हम ऑडिट पूरी तरीके से उस एरिया का ऑडिट नहीं कर रहे हैं। पुराने तरह का ऑडिट केवल ट्रेडिशनल ऑडिट एनवायरनमेंट में हो सकता है, जो कि मैनुअल एनवायरनमेंट में, मैनुअल एनवायरनमेंट सब चीज़ दिख रही है, सब चीज़ सामने है। लेकिन जब आईटी एनवायरनमेंट में आप जाएंगे, कोई एक कंपनी है जो सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट है वहाँ पर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी या ओरेकल जैसी कंपनी या हंड्रेड्स ऑफ जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, या इवन सर्विस सेक्टर में आजकल जो कंपनी है, हर जगह कंप्यूटर लगा होता है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है, तो वो आईटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। और जो वो आईटी एनवायरनमेंट है उसमें आप जो ऑडिट करोगे तो उसमें प्रोसेसिंग का ऑडिट नहीं कर पाओगे, अगर आप पुराने तरीके ढर्रे पर चलोगे, पुराने ऑडिटर होगे, ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक यूज़ करोगे, मैनुअल ऑडिट टेक्निक यूज़ करोगे, तो वहाँ पर क्योंकि आप लॉजिकली सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकते भाई, आपको ऑडिट करने के लिए, प्रोसेसिंग देखने के लिए लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, और लॉजिकली आप सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकते हो, फिजिकली आप लॉजिकली सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकते हो। लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसना है तो लॉजिकली ही घुसना है, अगर लॉजिकल प्रोसेसिंग को देखना है तो लॉजिकली आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, और उसके बाद उसके लिए लॉजिकल मेथड्स हैं और उसके लिए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं। तो आपके वहाँ एक ऑडिटर आता है जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करता है, जो एक्सेल का यूज़ करता है, और जहाँ 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 ऑडिट करने, जहाँ जहाँ वो मैनुअली ऑडिट, सॉरी आईटीज का यूज़ करके ऑडिट कर सकता है, वो ऑडिट करता है। आज की डेट में ये तक कैपेबिलिटी है कि अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो पहले ही डेटा आपसे मंगा ले, बोले कि पहले ही डेटा आप मुझे भेज दें, सारा डेटा पहले वो मंगा ले और सारा चीज़ वो पहले से आपसे ऑडिट कर ले, मतलब लॉजिकली वो ऑडिट कर सकती है। आज की डेट में अगर कोई जनरली
डेटा प्राइवेसी का चक्कर ना हो तो ऑडिटर अपने ही ऑफिस में सारा ऑडिट सारी इन्फॉर्मेशन मंगा ले। इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके कंपनी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं, वो आपसे पूरा डेटा मंगा सकता है, डेटा पैकेट मंगा सकता है, टैली का डेटा बैकअप मंगा सकता है, टैली का डेटा बैकअप मेल किया जा सकता है। अगर टैली का डेटा बैकअप इनकम टैक्स वाला मंगा सकता है, आपका जो पीएफ डिपार्टमेंट अगर पीएफ का ऑडिट करना है वो मंगा सकता है, इंटरनल और स्टैच्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल और स्टैच्यूटरी ऑडिट करना है वो मंगा सकता है, और 70% ऑडिट वो अपने ऑफिस में ही बैठकर वो ऑडिट कंप्लीट कर सकता है। तो अगर ऐसी कैपेबिलिटी है और ऐसे स्किल्स हैं तो आईटी ऑडिट होगा। मतलब एक विजुलाइजेशन के लिए सोचिए कि ऑडिटर ऐसे ऑडिट कर रहा है जैसे वो अपनी जगह या आपकी जगह बैठे हो, बात बराबर हो। मतलब जगह जो है वो भी फिजिकल ऐसा ना हो, फिजिकली उसे आना पड़े, फिजिकली वो आ रहा है, कई चीज़ों के लिए फिजिकली आना पड़ेगा। जैसे प्रोसेसिंग देखनी है सिस्टम के अंदर तो आकर उसे देखनी पड़ेगी उसको, अगर आर्किटेक्चर देखना है तो फील लेना पड़ेगा, मैनुअली देखना पड़ेगा उसे। अगर किसी से बात करनी है तो अगर कहीं पर कोई उसे डाउट है तो डाउट को डाउट का परस्पेक्टिव जानने के लिए, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्वेश्चनर फ्लोट करने पड़ेंगे, तो वो मैनुअल पोर्शन तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो जहाँ पर उसके पास ऑप्शन है वहाँ पर वो आईटी का यूज़ कर रहा है, और जहाँ पर उसके पास ऑप्शन नहीं है वहाँ पर उसके स्किल्स इतने अपग्रेडेड है कि वो लॉजिकली सिस्टम के अंदर जाकर देख सकता है उन कंट्रोल्स को, लॉजिकली वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लॉजिकली वो कंप्लायंस प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है, लॉजिकली वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा ऑडिटर आईटी ऑडिटर कहलाएगा, आईटी ऑडिट कर रहा होगा। और दूसरा ऑडिटर जो पुराना सुराना ऑडिटर है वो आ रहा है, वो ट्रेडिशनल मेथड्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वो ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट होगा कहलाएगा, क्योंकि वो ऑडिटिंग तो कर रहा है, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट तो ऑडिटिंग कर रहा है, लेकिन वो उसकी ऑडिट का तरीका, उसके ऑडिट के स्किल्स, उसका ऑडिट का मोड ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये पहली चीज़ है, आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ हमने ये समझी थी कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने बात की थी, ऑडिट मेथोडोलॉजी के बारे में बात की थी, ऑडिट रिस्क के बात में की थी, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की थी, मैनुअल इन्वायरमेंट और आईटी इन्वायरमेंट। आईटी इन्वायरमेंट ध्यान रखिएगा कि वो आईटी इन्वायरमेंट आज भी कुछ हद तक मैनुअल इन्वायरमेंट है, वो 100% आईटी इन्वायरमेंट नहीं है। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी तब तक 100% आईटी इन्वायरमेंट नहीं होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ मैनुअल इंटरवेंशन रहेगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ आदमी काम कर रहा होगा। जिस दिन 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी वो आईटी इन्वायरमेंट रियल आईटी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई जगह पर कुछ कॉन्सेप्ट हेजी होंगे, कई जगह पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, और उसका रीज़न यही है कि आईटी एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि मैनुअल, कुछ मैनुअल एनवायरनमेंट और बाकी सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट। मैनुअल एनवायरनमेंट का मतलब आप समझते हैं वहां पर आईटी नहीं है, लेकिन रियल आईटी एनवायरनमेंट क्या है, जो कि साइंटिस्ट जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, जो उस टेक्नोलॉजी को रिवॉल्यूशन को उस एक्सट्रीम तक ले जाना चाह रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जनरल एआई ले ला चुके हैं, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला चुके हैं, सॉरी स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला चुके हैं, जैसे चेस का गेम है स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ पर गैरी कास्परोव को हम बहुत लंबे समय 1997-98 में हरा चुके हैं। तो स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, लेकिन जनरल एआई नहीं आई है, नैरो एआई आ गई है, जिसे स्पेसिफिक एआई या नैरो एआई कहते हैं वो आ गई है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जो हमारे पास है। तो जब तक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई थी, आईटी इन्वायरमेंट में कुछ मैनुअल इंटरवेंशन रहेगा, और बाकी जहां पर आईटी होनी चाहिए वहां पर आईटी होगी, जहां कॉस्ट इफेक्टिव आईटी हो गई है वहां पर आईटी होगी। तो अब दो इन्वायरमेंट है हमारे पास, एक इन्वायरमेंट है ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है, ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट हो रहा है जहाँ ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट हो रही है, और दूसरा इन्वायरमेंट सोफिस्टिकेटेड आईटी इन्वायरमेंट है। जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट है और जो आईटी इन्वायरमेंट है वहाँ पर ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, ऑडिट ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट से चेंज नहीं होते हैं, कैसा भी इन्वायरमेंट है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव ये है किस तरीके का आप ऑडिट कर रहे हैं, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं उसके अलग ऑडिट ऑब्जेक्टिव होंगे, आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं उसके अलग ऑब्जेक्टिव होंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टैट्यूट मीट आउट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उसको देखेंगे। इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे और इंटरनल कंट्रोल्स को देखेंगे। अगर पीएफ का ऑडिट कर रहे हैं तो पीएफ के खाते को देखेंगे, पीएफ
का ऑडिट करना स्टार्ट कर देंगे। ईएसआई का ऑडिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे ईएसआई के खाते को देखेंगे, ईएसआई सही तरीके से काटी जा रही है कि नहीं काटी जा रही है, डिपॉजिट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। डिडक्ट हो रही है और डिपॉजिट दोनों हो रही है कि नहीं हो रही, सही डिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सपोज आप इन्वायरमेंट ऑडिट करेंगे तो इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से देखेंगे, हेल्थ ऑडिट करेंगे तो हेल्थ परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो जो भी ऑडिट करेंगे उस परस्पेक्टिव से आप चीज़ों को देखेंगे। आईटी ऑडिट हो रहा है तो आईटी को आप चेक करोगे, किस तरह का आईटी, आईटी के कंट्रोल्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों का आप चेक करोगे। तो यानी ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो है इन्वायरमेंट से चेंज नहीं होता, अफेक्टेड नहीं होता है। अब ऑडिट ऑब्जेक्टिव हमने ये जाना कि सेम है तो लेकिन क्या है कि आप जब आईटी एनवायरनमेंट में जाते हो तो ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है, ऑब्वियसली ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा, ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है और मैनुअल एनवायरनमेंट में ऑडिट रिस्क कम होता है, तो ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है। जहाँ पर आईटी एनवायरनमेंट है वहाँ पर लॉजिकल टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं ऑडिट करने के लिए। तो अब ऑडिट टेक्निक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑडिट टेक्निक्स क्या हो सकती है, ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स हो सकती हैं, आईटी ऑडिट टेक्निक्स होते रहते हैं। आईटी ऑडिट टेक्निक्स कंट्रोल्स को ज़्यादा टेस्ट करेंगे, अगर आपके सिस्टम में कंट्रोल सही हैं तो प्रोसेसिंग सही होगी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक एक इन्वायरमेंट होता है ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स का। ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग की रिलायबिलिटी, रोज की रिलायबिलिटी सेम नहीं होती। ह्यूमन बीइंग ये जरूरी नहीं है कभी भी फ्रॉड कर सकता है। एक आदमी है, एक आदमी अपनी इमेज बनाता है, कई बार वो इमेज ही इसलिए बना रहा होता है कि कल की डेट में वो फ्रॉड करें। वो ये बोलते हैं ना कि आदमी विश्वास इसलिए जीतता है कई बार विश्वासघात करें। तो एक ऑडिटर है, मैंने एक जगह पर ऑडिट किया, वहाँ पर देखा कि ऑडिटर की इमेज बहुत अच्छी, सॉरी जो अकाउंटेंट की इमेज बहुत अच्छी थी, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ विंडो में वो फ्रॉड करता था। तो यानी कि और समय वो अपनी काफ़ी इमेज बनाए रखता था, एक पर्टिकुलर पीरियड में वो फ्रॉड करता था, एक पर्टिकुलर पीरियड में वो बेईमानी कर लेता था। उस पर्टिकुलर पीरियड में उसे पता होता था कि सीनियर मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं, इस पीरियड में कोई ज़्यादा देखेगा नहीं, इस पीरियड को मैं मैनिपुलेट कर सकूँगा। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग पर आप उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि कभी वो एफिशिएंट होता है, कभी वो इनएफिशिएंट होता है, कभी उसे गुस्सा आ रहा होता है, कभी वो टेंशन में होता है, कभी एक्साइटेड होता है, कभी वो डिप्रेस्ड होता है, कभी घर में कोई प्रॉब्लम आ गई होती है, कभी वो बीमार हो गया होता है। तो जब उसकी अटेंटिवनेस चेंज होती है और अटेंटिवनेस चेंज होती है तो क्या है, कई बार वो एरर कर लेता है, कई बार वो एरर नहीं करेगा, बहुत साल भर वो एरर नहीं करेगा, लेकिन बीच बीच में कई बार एरर करेगा। ये बीइंग ह्यूमन मींस वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसके अंदर मूड स्विंग्स होंगे। तो आपको ट्रांजैक्शन भी टेस्ट करने पड़ेंगे। आप कंट्रोल्स तो आप लगा लोगे, एक आदमी का काम दूसरा आदमी चेक करोगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करोगे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट करोगे, बांट दोगे, एक मैट्रिक्स लगा दोगे, उसके बाद ऑथराइजेशन क्रिएट करोगे, एक आदमी का काम दूसरा आदमी चेक करे, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो ससेप्टेबल हैं वीकनेसेस के लिए। तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन को टेस्ट करना ही पड़ेगा, वहाँ पर ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग ज़्यादा होगी। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऐसा लेकिन जो आईटी ऑडिट है वहाँ पर आपको कंट्रोल्स ज़्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार आप कंट्रोल में रिलाई कर सकते हो, आप एक बार कंट्रोल सही हैं तो कंप्यूटर में अगर कंट्रोल सही लगे हैं तो कंप्यूटर 24/7 उसी रिलायबिलिटी के साथ काम करेगा, वो कंप्यूटर खुद फ्रॉड नहीं करना चाहेगा, कंप्यूटर खुद एरर नहीं करता क्रिएट करता है। अगर उसे बता दिए गए उसके रूल्स स्पेसिफिक हैं, क्लियर कट हैं, तो वो डे बाय डे 24 आवर्स ऑफ द डे 365 डे बिना रुके काम करता रहेगा, वो थकेगा नहीं, उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। तो इसके कारण वहाँ पर कंट्रोल्स अगर आपने टेस्ट कर लिए तो ट्रांजैक्शन को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। वो बात अलग है कि ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ के लिए इनपुट लगा लिया, कंट्रोल्स कर लिया, आपने पैन नंबर सबका मांग लिया। अब आपने कहा जी पैन नंबर वैलिडेशन कंट्रोल लगा दिया, पहले पैन नंबर में। पैन नंबर में क्या होता है कि पहले चार पाँच अक्षर जो होते हैं, पाँच अक्षर जो होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर उसके बाद न्यूमरल्स आते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और तीसरा जो होता है अगर हम आपका एम्प्लॉई है तो आई होगा, इंडिविजुअल होगा।
तो आपने उसमें कंट्रोल लगा दिए कि जी इतने इतने उसका पेन नंबर जो होगा इतना लंबा होता है, इसमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ये न्यूमरल्स जो होते हैं, ये न्यूमरल्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, और पहले पाँच जो होंगे वो आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, फिर चार जो होंगे न्यूमरल्स होंगे, इस तरीके से आपने उस पर चेक लगा दिए, वैलिडेशन चेक लगा दिए। अब जो डेटा आपके पास आएगा वो गलत डेटा नहीं हो सकता, वो उन वैलिडेशन को पार करके ही आएगा। अब आपको फिर चेक करना है, तो आप एक्सेल शीट में सारा डाटा निकाल दो, एक सेकंड में एक्सेल शीट में डाटा निकल जाएगा, आप फॉर्मूला लगा दो, इजिकल टू काउंट करके फार्मूला लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा पैन नंबर सही है, पैन नंबर गलत है। तो यानी कि आप 100% ट्रांजेक्शन वहाँ चेक कर सकते हो, आपकी ट्रांजेक्शन चेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आईटी में ट्रांजेक्शन चेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड नहीं होगे, आप कंट्रोल्स ओरिएंटेड होगे। कंट्रोल्स अगर सही तरीके से लगे हैं तो ट्रांजेक्शन की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ सिस्टम आ जाता है वो सिस्टम खुद आपस में गड़बड़ी नहीं करता, सिस्टम का एक एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम के अनुसार काम कर सकता है। ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स में आप पहले कंट्रोल चेक करोगे, लेकिन फिर आपको ट्रांजेक्शन भी चेक करने पड़ेंगे, और कंट्रोल्स को आप चेक करोगे, आप ये देखोगे कंस्ट्रोल रेगुलर हैं कि नहीं है, क्योंकि कंट्रोल्स बीच में वॉयलेट हो जा रहे हैं मालूम पड़ा, ऐसा तो नहीं है, ये भी आपको टेस्ट चेक करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो ट्रेडिशनल ऑडिटिंग टेक्निक्स ज़्यादा ट्रांजेक्शन टेस्टिंग ओरिएंटेड हैं, और आईटी ऑडिटिंग टेक्निक्स कंट्रोल टेस्टिंग ओरिएंटेड है, यानी कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हो आईटी ऑडिट टेक्निक्स में। तो अब आ जाते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स में, ऑडिट मेथोडोलॉजी में। ऑब्वियसली ऑडिट मेथोडोलॉजी आपकी चेंज हो जाएगी, वहां पर ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, यहां पर कंट्रोल ओरिएंटेड ज्यादा है, तो ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। और उसके अलावा यहां पर क्या है, आपको सिस्टम को चेक करना है, तो आउटपुट इनपुट तो आप मैन्युअली चेक कर लोगे, मैनुअली ही चेक होगा, आउटपुट जो इनपुट जा रहा है वो आप देख लोगे, इनपुट क्या गया, आउटपुट क्या बाहर निकला, आप ये देखोगे। लेकिन जब प्रोसेसिंग चेक करनी है तो आपको लॉजिकली सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा जो उस सिस्टम को ऑडिट कर सके। तो यानी कि ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। अब हम चलते हैं ऑडिट रिस्क पर, ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि डेटा एक ही सेकंड में सारा डेटा निकल सकता है, जो एक आदमी काम कर रहा था, जो सॉरी 100 आदमी काम कर रहे थे, वो आज एक कंप्यूटर काम कर रहा है, उसके पास वो सारा काम कर रहा है, पहले 100 आदमियों से में से अगर गलती हो तो गलती एक पर्टिकुलर लेवल का काम करते थे, एक आदमी ने गलती की तो उस वो पकड़ी जाती थी, और अगर उसने गलती की पकड़ी नहीं गई तो एक आदमी तक वो गलती सीमित थी। लेकिन चूंकि अब हम सिस्टम में आदमी हटाते जा रहे हैं, कंप्यूटर को मेन चीज मेन पावर देते जा रहे हैं, तो कंप्यूटर अगर कहीं मिस्टेक्स वहाँ पर हुई, कहीं एरर हो गया, कहीं ओमिशन हो गया, कहीं कोई कंट्रोल्स वायलेट हो गई, तो वहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, हर आपका खाता बैंक में रखा रहता था, बैंक ब्रांच में रखा रहता था, अगर आपके खाते में गड़बड़ी हुई तो ब्रांच में गड़बड़ी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बैंक के पूरे SBI बैंक के पूरे HDFC बैंक के खातों में गड़बड़ी हो सकती है। आज की डेट में सेंट्रलाइज डेटाबेस है, अगर वहाँ पर कहीं पर गड़बड़ी हुई तो पूरी इंडिया के में जितने अकाउंट होल्डर्स हैं सब में गड़बड़ी हो सकती है, अगर सॉफ्टवेयर के लॉजिक में वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई सेंट्रलाइज डेटाबेस में, तो रिस्क बढ़ गया है, रिस्क मैसिवली इंक्रीज हो गया है। तो इसको फिर समराइज करते हैं, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा लेकिन ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज होगी। क्यों ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज होगी, ये हमने जान लिया है कि सबसे पहले क्या है कि प्रोसेसिंग को हम नहीं देख सकेंगे, प्रोसेसिंग लॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, फिजिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो लॉजिकल प्रोसेसिंग को देखने के लिए लॉजिकल टेक्निक्स का यूज़ होता है, और जिसे हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कहते हैं। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स के बारे में हम एक चीज़ फिर क्लियर कर लें, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन दो टाइप की ऑडिट टेक्निक्स होंगी, मैनुअल ऑडिट टेक्निक्स होंगी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स होंगी। मैनुअल ऑडिट टेक्निक्स तो मैनुअल होंगी, उसके बारे में आपको पता है, मैनुअली आप सारी चीज़ों को देखोगे, फिजिकली सारी चीज़ों को देखोगे, फिजिकल ट्रेल देखोगे। जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स हैं वो दो टाइप की होंगी,
क्योंकि वहाँ मिक्स है इन्वायरमेंट, वहाँ मैनुअल टेक्निक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इनपुट आउटपुट को जो देखोगे तो वो कैसे देखोगे, फिजिकली देखोगे तो वहाँ मैनुअल टेक्निक्स का यूज़ करोगे, लेकिन जब प्रोसेसिंग देखोगे तो सिस्टम के अंदर आपको लॉजिकली घुसना पड़ेगा, फिजिकली सिस्टम के अंदर आप नहीं घुस सकते हो। लॉजिकली आपको किससे घुसोगे, सॉफ्टवेयर से घुसोगे, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके आप कंप्यूटर को ऑडिट करोगे, उसकी प्रोसेसिंग को ऑडिट करोगे, उसके जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स अगर आपको देखने हैं, कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल्स देखने हैं आपको, तो आप लॉजिकली देखोगे, फिजिकली आप नहीं देख सकते। तो आपको लॉजिकल मेथड यूज़ करनी पड़ेंगी, यानी कि आईटी की मेथड्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है, 100% ऑटोमेटेड चीज़ें नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर मिक्स होगा, यानी ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी होंगी, मैनुअल टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स भी यूज़ करना पड़ेगा। कंप्यूटर से का यूज़ करके, उन कंप्यूटर के का यूज़ करके हमें ऑडिट करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से एक आपकी बॉडी में अगर एक कांटा गिर जाता है तो आप क्या करते हो, दूसरा कांटा लगा डालते हो, यानी कि पिन वगैरह लेते हो और उस कांटे को निकालते हो। तो एक कांटा गड़ने के लिए आपको एक पिन डालना पड़ता है और उसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से करना है, यहाँ पर तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कांटा गड़ा हो, लेकिन यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर को ऑडिट करना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑडिट करोगे। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि कंट्रोल्स किस टाइप के होते हैं। मैनुअल एनवायरनमेंट में मैनुअल कंट्रोल्स होंगे, पीपल डिपेंडेंट कंट्रोल्स होंगे, फिजिकल कंट्रोल्स होंगे। जो आईटी एनवायरनमेंट होगा उसमें प्रीडोमिनेंटली लॉजिकल कंट्रोल्स होंगे, सिस्टम डिपेंडेंट कंट्रोल्स होंगे। मतलब आईटी एनवायरनमेंट क्योंकि 100% ऑटोमेटेड नहीं हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है, तो क्या है वहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स भी होंगे और लॉजिकल कंट्रोल्स दोनों होंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली लॉजिकल कंट्रोल्स होंगे, सिस्टम डिपेंडेंट कंट्रोल्स होंगे, सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया जा सकेगा लार्ज एक्सटेंट तक। तो इसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल्स भी बढ़ जाएगी, उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कंट्रोल ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, हाँ हो सकता है कोई वायरस आ जाए, कोई हैकिंग हो जाए, लेकिन उसके लिए फिर आपको उसके भी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, उसके कंट्रोल्स की क्वालिटी भी बड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन पीपल जो मैनुअल एनवायरनमेंट है वहाँ पर पीपल डिपेंडेंट है, ट्रेडिशनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, फिजिकल कंट्रोल्स लगे हैं, तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसको उसका क्वालिटी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। तो यानी कि आईटी एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होंगे, मैनुअल एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होंगे। तो फाइनली इसको फिर एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि फिर हम अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यानी ऑडिट टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारा एम्फेसिस किस में, टेक्निक्स में। तो हमने ये जाना कि दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, एक होता है आईटी एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल मेथड होगी, सिंपल। आईटी एनवायरनमेंट में क्या होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है, आईटी एनवायरनमेंट 100% आईटी एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर लेवल का आईटी सोफिस्टिकेशन हो सकता है। ओरेकल जैसी कंपनी या आपकी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी या फेसबुक जैसी कंपनी या इंफोसिस जैसी कंपनी या विप्रो जैसी कंपनी हाईली सोफिस्टिकेटेड मैच्योर टेक्नोलॉजिकली मैच्योर आईटी कंपनी है, लेकिन वहाँ भी मैनुअल चीज़ें, मैनुअल इंटरवेंशन होगा। तो यानी कि आईटी एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होंगी, मैनुअल काम हो रहा होगा और आईटी काम हो रहा होगा, दो आईटी एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा। अब जैसे फॉर CMM लेवल 5 कंपनी है, CMM लेवल 1, 2, 3, 4, 5 कंपनी होती हैं, तो 1 से 5 तक CMM लेवल होते हैं। CMM लेवल 5 कंपनी हाईली टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड कंपनी होती हैं, टेक्नोलॉजिकली मैच्योर कंपनी होती हैं। तो CMM लेवल 5 कंपनी हिंदुस्तान में बहुत सारी है, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं वहाँ पर एक आइडियल कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट है। अब उस इन्वायरमेंट में हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैनुअल चीज़ें भी होंगी और आपकी आईटी रिलेटेड आईटी से भी काम हो रहा होगा, आईटी जो ऑटोमेटेड चीज़ें होंगी और नॉन ऑटोमेटेड भी होंगी।
ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड दोनों इन्वायरमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ पर हम ऑडिट करेंगे। वहाँ पर ऑडिट करेंगे तो दो तरीके से ऑडिट कर सकते हैं, एक ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, एक आईटी ऑडिट। ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि कंप्यूटराइज तो इन्वायरमेंट है लेकिन ऑडिट हम ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं। क्यों? उसके रीज़न मैंने बताया, ऑडिटर के पास स्किल एंड कॉम्पिटेंस नहीं है। दूसरी बात, कई बार छोटी कंपनी होती है वहाँ पर अकाउंटेंट डरता है और वो आपको ऑडिटर को, क्योंकि अगर वो उसके पास स्किल्स हैं कॉम्पिटेंस हैं तो वो ऑडिट को बड़ी जल्दी कर लेगा, बड़े इफेक्टिवली कर लेगा। तो वो ये नहीं चाहता कि वो इफेक्टिवली कर ले, वो ये नहीं चाहता उसके एरर्स निकलें, वो ये नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई, कई बार क्या होता है ऑडिटर जो अकाउंटेंट होता है उसने फ्रॉड किया होता है, कई बार क्या होता है वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या होता है वो ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट कराएगा। यानी कि ऑडिटर को अगर स्किल और कॉम्पिटेंस भी हैं तो उसे मैनुअली चीज़ देगा, उसको ईजिली डेटा नहीं देगा, ये डेटा देने में डिफिकल्टी पैदा करेगा। तो अगर आईटी एनवायरनमेंट में आईटी ऑडिट कर रहे हो, जिसे आईटी ऑडिट कहते हैं ट्रेडिशनली, जिसे हम क्या बोलते हैं आईटी ऑडिट करते हैं, अगर आईटी ऑडिट कर रहे हो तो आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का भी यूज़ होना चाहिए, और जहाँ पर आपके पास चॉइस है मैनुअल और आईटी में, वहाँ पर आप आईटी का यूज़ करो। यानी कि आप मैनुअली वहाँ ऑडिट नहीं करोगे, आईटी का यूज़ करके करोगे। जहाँ आपको चॉइस नहीं है वहाँ पर आप मैनुअली ऑडिट करोगे, यानी मैनुअल ऑडिट केवल नीड बेस्ड होगा, वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है वो होगा, बाकी सारा चीज़ आईटी के थ्रू करोगे, आपके पास वो स्किल कॉम्पिटेंस है, तो ऐसे ऑडिट को आईटी ऑडिट कहेंगे। यानी कि ऑडिटिंग कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में दो टाइप की ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट और आईटी ऑडिट। और ऑडिट मेथोडोलॉजी हम कहें तो तीन टाइप की ऑडिट मेथोडोलॉजी होती है, एक ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स होती हैं, एक होती है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, मतलब ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स इन ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल ऑडिटिंग टेक्निक्स इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, यानी ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इन अ सोफिस्टिकेटेड आईटी इन्वायरमेंट, यानी कि आईटी ऑडिट होता है वहाँ पर। तो आईटी ऑडिट का मतलब यह सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को यूज़ करके कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में ऑडिट करना। इसके बाद हमने जाना ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा लेकिन ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। ऑडिट मेथोडोलॉजी आईटी एनवायरनमेंट में ज़्यादा आईटी का यूज़ करोगे, यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करोगे, यानी सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज़ करोगे, स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं होते, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है आईटी वर्ल्ड में, इतने चेंजेस हैं, इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये भी एक लिमिटेशन है, जब तक 100% आईटी एनवायरनमेंट नहीं हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, तब तक आपके जो जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर होंगे स्टैंडर्डाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई तो वही इंटेलिजेंस उसको ऑडिट करेगी, तब आपको ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तब ऑडिटर का भी काम खत्म हो जाएगा, मतलब ऑडिटर का काम बहुत ईजी हो जाएगा, वो आराम से केवल देखेगा, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर लेगी, आर्टिफिशियल एक ऐसे इन्वायरमेंट से बात करेगा जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इन्वायरमेंट हो, यानी कि जो कंपनी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इन्वायरमेंट है वहाँ पर, और जो ऑडिट कर रहा है जो क्लाइंट या जो एजेंट ऑडिट कर रहा है वो भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। तो जो ऑडिट मेथोडोलॉजी आप यूज़ करोगे वहाँ पर ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी, मतलब ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी, ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है आईटी एनवायरनमेंट में क्या है, कंट्रोल्स को ज़्यादा चेक करोगे, जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है वहाँ पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ट्रांजेक्शनल ऑडिट ज़्यादा होगा, लेकिन आईटी एनवायरनमेंट में कंट्रोल्स को आप चेक करोगे, वो बात अलग है, आपके पास कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ट्रांजेक्शन को 100% चेक कर सकते हो कई केसेस में, कई केसेस में ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप डेटा उसे दोगे वो ऑटोमेटिकली आपको गलती निकाल के दे देंगे, और कई ऑडिट कंपनी में तो टेम्पलेट्स बना दिए जाते हैं, एक्सेल में टेम्पलेट्स बना दिए जाते हैं, आप उसमें डेटा डालते हो और वो गलती निकाल के दे देता है, उसमें उस समय जो ट्रांजेक्शन चेकिंग होती है वो 100% चेकिंग हो जाती है। तो यानी कि लेकिन बेसिकली आपका जो आपका